नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी फटाफट मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार रुक करेंगे यूपी की खबरों का ठंड की शुरुआत होते ही कोहरे ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में छाए घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है दरअसल कोहरे की वजह से दिन में भी वाहन चालकों को बस की रफ्तार धीमी रखनी पड़ रही है साथ ही दिन में भी वाहन चालक लाइट जलाकर गाड़ी चलाने पर मजबूर हो रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर यात्रियों पर पड़ रहा है खबर उन्नाओं के थाना माखी गांव के हिंदू खेड़ा की है गांव में उस वक्त हड़कम मच गया जब एक बुजुर्ग किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है वहीं अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी ने किसान का शव मिलने के बाद ट्वीट करके कहा कि भाजपा राज में जंगल राज की सभी हदें पार है हाथ पर हाथ धरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में एक और मुठभेड़ में गौकशों को पुलिस ने अपनी गोली का शिकार बनाया है पुलिस की गोली से दो गौकश घायल हो गए हैं गौकश का इलाज अस्पताल में जारी है पुलिस ने गौकशों के पास से भारी मात्रा में गौमांस के अलावा गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं बागपत में मामली विवाद के चलते दो पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गई महिलाओं की लाइव मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो में साफ तौर तो पर देखा जा सकता है कि महिलाएं हाथ में ईट पत्थर लेकर एक दूसरे पर हमलावर है दरअसल ये वीडियो छपरौली थाना क्षेत्र के ककौरा गाँव का बताया जा रहा है एटा में एक नया मामला सामने आया है जहां शादी समारोह के दौरान दूल्हा जयमाल के बाद दुल्हन को मंडप में छोड़कर भाग गया वहीं लड़की के पिता का आरोप है कि बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होता देख दूल्हा बारात लेकर भाग गया हाईकोर्ट के आदेश पर मेरठ के भगत सिंह मार्केट में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया निगम की टीम पूरी पुलिस फोर्स के साथ बाजार में पहुंची और कार्रवाई शुरू की इस दौरान व्यापारियों की निगम के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई वहीं हाई कोर्ट ने भगत सिंह मार्केट के अतिक्रमण के संबंध में जिलाधिकारी को 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है जिसके चलते नगर निगम और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है वहीं विवाहिता के परिजनों ने लड़के वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है बता दें कि महिला छह महीने की गर्भवती थी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शौक को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी फटाफट में फिलहाल इतना ही बने रही न्यूज बर्ड इंडिया के साथ नमस्कार